Ligamos. Vamos, Chile, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. चप्पल आपको लाएंगे ना साइड में लगा देंगे इस तरह चलिए स्टार्ट करें। देखिए तो बच्चों भाइयों और बहनों, देखिए टॉपिक हम लोग का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वाला 10 मार्क्स का एक सम्स आपका रहेगा एग्जाम में। डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स का एक तो सम्स आपका एग्जाम में रहेगा डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो भी फिक्स एसेट होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, लैंड को छोड़ करके, उन सारे एसेट के ऊपर वैल्यू धीरे 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 घटता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ना, उसका वैल्यू धीरे 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 क्या होगा, वो घटेगा। डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स में भी ना दो तरह का एसेट होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। फिक्स एसेट में भी दो तरह का एसेट होता है, क्या होता है वो टेंजिबल और क्या होता है बोलिए इनटेंजिबल। तो टेंजिबल फिक्स एसेट मतलब हो गया आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार एक्सेट्रा, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब हो गया गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। तो डेप्रिसिएशन किस पे होता है? अरे डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल फिक्स एसेट पे। डेप्रिसिएशन किस पे होता है बाबू? टेंजिबल फिक्स एसेट से। देख जाओ प्लीज, डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल फिक्स एसेट से। समझे बाबू? तो जितना भी फिक्स गेट्स रख दीजिए, तो देखिए डेप्रिसिएशन, ध्यान सुनिएगा, डेप्रिसिएशन किस पे होता है? तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। नहीं बंद मत करिए, खोल दिया आज थोड़ा सा ये आपको। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? तो आप लोग के एग्जाम में 10 मार्क्स का एक सम्स इससे आएगा, समझे ना। तो अच्छा, जैसे इंटरनल एग्जाम्स होंगे, जैसे बच्चे ने पूछा बदल जाएगी, तो बस समझिए, जब आपका इंटरनल एग्जाम होगा ना, इंटरनल एमसीक्यू में भी दे सकता है, सम्स वाला चैप्टर भी एमसीक्यू में दे सकता है, समझे। आज जब एग्जाम आप देंगे, जैसे अगर ऑफलाइन के हिसाब से आप लोग का एग्जाम होता, तो आप लोग का एग्जाम होता है अप्रैल में, ये मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट में, अगर ऑफलाइन के एग्जाम से हिसाब से एग्जाम होता, तो क्योंकि आपका इस कॉलेज स्टार्ट हुआ नवंबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अजय, तो उन लोगों को एकेडमिक ईयर पीछे टालना है, इसलिए आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन लेकर के जल्दी से खत्म कर रहा है, जिससे आप खुल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरफ खुले रहना, इधर ही बैठ जाओ। देखिए रेडी, चलिए ये चढ़ा दीजिए, तो ये चढ़ा दिया, रेडी ना, चलिए। तो देखिए बाबू संजय, तो डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब फिक्स एसेट का वैल्यू धीरे धीरे घटता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक क्या होता है बाबू? इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या हो गया बोलिए? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, प्लांटर, मशीनरी एक्सेट्रा। दोनों में से सबसे फेवरेट क्या है? सीयू का फेवरेट है मशीन और फर्नीचर। जितना सम्स आप करोगे ना, जो भी सम्स हम लोग करेंगे, सब सम्स बनेंगे तो मशीन फर्नीचर, मशीन फर्नीचर, मशीन फर्नीचर। क्वेश्चन कैसा आता है आपको ना, मशीन अकाउंट बनाने के लिए देगा, एक तो अकाउंट बनाने देगा 10 मार्क्स का, बस मशीन अकाउंट। अब आप लोग के सीयू के एग्जाम में अभी तक मशीन अकाउंट बनाने के लिए देता है, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, एक तो बनाने के लिए आपको देगा 10 मार्क्स का। तो आज पूरा उसका कॉन्सेप्ट हम लोग लोड कर लेंगे, अगला दिन से डायरेक्ट हम लोग सम्स बनाना शुरू कर देंगे। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। दुनिया में जो भी फिक्स एसेट आप खरीदो, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मोटर कार हो, एक साथ लोग फ्लो में बोलते हैं एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़ करके जितना फिक्स एसेट है, इवन बिल्डिंग का वैल्यू भी कभी कभी घट जाता है, बिल्डिंग का वैल्यू भी कभी कभी घट जाता है। मान लीजिए कोई खराब एरिया है, वहां पे एरिया सही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को अगर आप डिफाइन करते हो, डेप्रिसिएशन को एक वर्ड में क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन। रिडक्शन इन व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ व्हाट? फिक्स नहीं, फिक्स टेंजिबल एसेट। एमसीक्यू में पूछेगा कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ
टेंजिबल एसेट इनटेंजिबल एसेट, तो क्या बोलेगा टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू जब घटता है उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन, क्या बोलते बताइए एमोटाइजेशन। सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ध्यान सुनने का, जैसे गुडविल का वैल्यू घटा, पेटेंट राइट का वैल्यू घटा, कॉपी राइट का वैल्यू घटा, ट्रेडमार्क का वैल्यू घटा, इसको बोलते हैं हम लोग एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं एमोटाइजेशन। और बिल्डिंग का वैल्यू घटा, फर्नीचर का वैल्यू घटा, मशीन का वैल्यू घटा, आगे बाबू मशीन का वैल्यू घटा, खोल के आएंगे तो अच्छा रहेगा, अपने हराया था ना चप्पल, अच्छा सिंगा चप्पल भी हरा जाएगा, इधर से भी तो थोड़ा गया जी, फाइन तो दिखाई दे रहा ना बाबू सबको, तो अभी दिखना है, सिर्फ सुनना है, जब दिखना होगा तो बता देंगे आपको, दिखाई दे रहे ना आप लोग को। चलिए तो कितना अच्छा फ्लो में पढ़े थे, तो बताइए आपको डेप्रिसिएशन क्या, जितना भी फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट मतलब क्या, लैंड बोलिए, बिल्डिंग बोलिए, फर्नीचर बोलिए, मशीन बोलिए, मोटर का जो टेंजिबल हो, टेंजिबल इसका रंग रूप आकार शेप साइज होता हो, एसी एसी टेंजिबल है कि इनटेंजिबल, टेंजिबल किसको देखकर छू सकते हैं। अच्छा ये बोर्ड क्या, टेंजिबल या इनटेंजिबल, पंखा आप लोग, हम लोग, आप लोग क्या है, टेंजिबल है, टेंजिबल है ना, हम लोग क्या अदृश्य है, मिस्टर इंडिया अपना दोस्त को सुई भोक के देखिए, सुई भोक के देखिए, अगर वो तिल मिला जाए मतलब वो एक्टिव है, पसंद है मतलब वो है जीवित है, तो आपका जो दोस्त है वो भी टेंजिबल है, पसंद है ना, अगर आपका दोस्त मिस्टर इंडिया होता तो क्या होता बाबू, इनटेंजिबल। तो कृपया बताइए डेप्रिसिएशन कौन सा एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, फिक्स में भी कौन सा एसेट, टेंजिबल या इनटेंजिबल, टेंजिबल। तो ये एक लाइन को पहले लाइन बाय लाइन कौन नोट्स निकाल भी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लेना, लाइन बाय लाइन हम लोग नोट्स बनाते जा रहे हैं, लिखिए बोले बोले क्या नहीं बोले, ओके लिखिए, पॉइंट नंबर वन, डेप्रिसिएशन इज द, डेप्रिसिएशन इज द डिप्रिसिएशन इज द, ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ Depreciation is the gradual reduction in the value of fixed asset. Gradual reduction in the value of क्या हुआ? Fixed asset. लेकिन नहीं पढ़ा था इसे. नहीं देखो. The gradual reduction in the value of क्या हुआ? Fixed asset. जब fixed asset धीरे-धीरे घटे, तो fixed asset का fixed चलेगा, fixed लिखे ना? फिक्स एसेट ब्रैकेट में लिख दीजिए टेंजिबल, ब्रैकेट ओपन करके लिख दीजिए टेंजिबल, फिक्स एसेट में भी कौन सा बोलिए तो टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स एसेट का वैल्यू जब धीरे धीरे घटता है इसको क्या बोलते हैं बाबू, डेप्रिसिएशन। क्लियर है गाइस? पॉइंट नंबर टू में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब सवाल है कि डेप्रिसिएशन का कारण क्या होता है। तो देखो ये थ्योरी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप लोगों का सम्स आता है 10 मार्क्स का, लेकिन आज का जो क्लास है अगर वो समझ जाएंगे फिर सम्स बनाने में दिक्कत नहीं, आज का क्लास मिस हो गया तो आगे आने वाला कोई भी क्लास समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि सम्स पूरा उसके ऊपर टिका हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट है डेप्रिसिएशन होता क्यों, क्या क्या कारण है, दो तीन तो बेसिक कारण आपको बताते हैं। पहला कारण होता है वियर एंड टियर, वियर एंड टियर यूज, कोई भी चीज जब आप यूज करते हो ना वो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करते करते ना वो सामान का वैल्यू धीरे धीरे घट जाता है। तो वैल्यू घटने का कारण क्या है, क्यों वैल्यू घटता है, क्यों वैल्यू घटने का कारण है वियर एंड टियर। जैसे मैं तो मोबाइल खरीद के लाए, तो मेरे मोबाइल का आज जो वैल्यू रहेगा क्या 5 साल बाद वैल्यू रहेगा उतना, बताइए नहीं रहेगा। आज अगर हम एक एसी खरीद के लाए क्या 3 साल बाद उसका वैल्यू उतना रहेगा, नहीं रहेगा। तो वियर एंड टियर मतलब क्या, मतलब यूज करते करते उसका वैल्यू का घट जाता है। वियर एंड टियर मतलब हो गया यूज करते करते उसका एसेट का जो वैल्यू है वो एग्जॉस्ट होने लगता है। कोई भी सामान वियर एंड टियर मतलब यूज करते करते एग्जॉस्ट हो जाना, यूज कर, जैसे एक मोबाइल देखिएगा, जब मोबाइल नया रहता है तो चक चक करते रहता है, जब कोई नया मोबाइल कैसा रहता है बाबू, चक चक करते रहता है मोबाइल, एकदम चमकते रहता है। वही मोबाइल को जब यूज करते करते देखिए, मोबाइल को जब आप कवर खोलते हो मोबाइल के ऊपर आपका उंगलियों का निशान आ जाता है, फिंगरप्रिंट आ जाता है, मोबाइल देखते स्क्रीन कैसा रहता है, जब नया मोबाइल खरीदते हैं कितना खूबसूरत लगता है, धीरे 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 देखिए पूरा मोबाइल पे, तो कभी यहां से शीशा टूटा हुआ, वहां से शीशा टूटा हुआ, इसको क्या बोलते हैं वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। कुछ कुछ बच्चे का तो मोबाइल बोला दरार ही दरार है ऐसे ऐसे, बस नहीं ना, तो ये हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारते, उसी को चलाते रहते हैं, हाथ में कांच, कभी कभी तो हाथ में कांच आ जाता है फिर भी चलाते रहते हैं, हिम्मत नहीं आ रही मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, बस नहीं ना। तो वियर एंड टियर क्या बाबू, वियर एंड टियर, ये पहला रीजन हो गया, पहले रीजन बता दें लिखवा देंगे। दूसरा रीजन होता है
ऑब्सोलीसेंस, जो किताबों में लिखा हुआ मेन मेन पॉइंट है वो बता रहे, बिकॉज एमसीक्यू से कुछ कुछ कॉलेज क्या करेंगे ना, इंटरनल एग्जाम एमसीक्यू में लेके आएगा, उसका भी सब नहीं देंगे बनाने के लिए आपको, तो एमसीक्यू में ही सब क्वेश्चन देगा आपको, कि लास्ट ईयर प्रफुल्ला कॉलेज में भी ऐसे क्वेश्चन दिया था, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वियर एंड टियर, ऑब्सोलीसेंस, एक्सीडेंट, ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, बस समझ रहे ना। तो बाबू वियर एंड टियर तो समझ गया, यूज करते करते एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरा होता है ऑब्सोलीसेंस, थोड़ा स्पेलिंग लिख दीजिए, स्पेलिंग में थोड़ा टफ है, ऑब्सोलीसेंस पसंद है बाबू, ऑब्सोलीसेंस का मतलब क्या होता है बोली तो आउटडेटेड हो जाना, पुराना हो जाना, बेकार हो जाना, जो चीज आज से चार साल पहले मार्केट में चलता था आज के डेट में क्या उसका वैल्यू होगा, तो जो कोई चीज जब आप नया खरीदते हो ना तो मार्केट में ट्रेंड में रहता है, बट दो साल तीन साल चार साल बाद जब आप उसको बेचते हो तो वो आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड मतलब आउट ऑफ मार्केट, उसका मार्केट वैल्यू कुछ बचता नहीं। नोकिया का फोन देख लीजिए आज, देखिए नोकिया का फोन, सपोज आपके घर में नोकिया का फोन है, पिताजी वो नोकिया का फोन उस जमाने में 20,000 में मान लीजिए खरीदे थे, तो उस जमाने में अगर 20,000 में खरीदे तो आज का 1,00,000 रुपया हो गया, लेकिन वो नोकिया का फोन का कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में वो नोकिया फोन को जब खरीदने बेचने के लिए जाएंगे तो आपको कोई 500 रुपया 700 रुपया देगा, क्योंकि नोकिया का फोन जब पहले जमाने में कोई आदमी लेता था, कोई किसी के पास रहता था तो पूरा गांव में हल्ला हो जाता था, पूरा गांव में चर्चा हो जाता था, इसके पास नोकिया का फोन है, समझे, किसी लड़की का शादी अगर ऐसा लड़का से हो रहा है जिसके पास नोकिया का फोन है, पूरा गांव का लड़की बोलते थे वाह नोकिया फोन, समझे, और अभी अगर नोकिया का फोन लेके आप जाएंगे तो जो लड़की आपको एक्सेप्ट भी कर ली है प्रपोजल वो भी रिजेक्ट कर दी है, नोकिया फोन, आई विल नॉट टॉक टू यू, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिंक, आउटडेटेड हो जाना, वक्त के साथ सामान का वैल्यू घट जाता है, वक्त के साथ दुनिया में हर चीज का वैल्यू घट जाता है, वो चीज आउटडेटेड हो जाता है, तो आउटडेटेड जब आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ना, जब आपका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका आउटडेटेड हो जाएगा, तो आपका वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कम, यस और नो, हाँ कि नहीं बोलिए प्लीज, चलिए बहुत बढ़िया। तो दूसरा बात देखिए, आयुर्वेद और एक्चुअली जाना, मैं जो मैंने नहीं जाना, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से भी सामान का वैल्यू बढ़ जाता है, हम मान लीजिए एक तो बाइक लेके आए और नया पहला दिन में ही मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप उतना दाम में बेचेंगे तो कोई आदमी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो एक्सीडेंट होने के बाद उसका वैल्यू क्या होता है, वो घट जाता है, उसके एक कारण होता है टाइम, टाइम के साथ बहुत सारा सामान क्या आप यूज मत करिए, रखा रखा उसका वैल्यू घट जाएगा, रखा रखा वैल्यू घट जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसका वैल्यू भी धीरे धीरे घटने लगता है। सो व्हाट आर द कॉसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का कारण क्या क्या हो गया, वियर एंड टियर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऑब्सोलीसेंस हो गया, और क्या हो गया वो टाइम, और भी बहुत रीजन होता है, कुछ काम मेन जो रीजन था वो हमने आपको बताया, लिखिए पॉइंट नंबर टू लिखिए, डेप्रिसिएशन कैन बी कॉस्ड ड्यू टू ड्यू टू वियर एंड टियर, स्पेलिंग क्या होगा WEAR, वियर TEAR, टियर, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, पॉइंट नंबर टू लिखिए, ऑब्सोलीसेंस ऑब्सोलीसेंस, पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कॉमा टाइम एटसेट्रा, टाइम एक्सीडेंट का टाइम देखिए वो टाइम एटसेट्रा ETC हो गया, देखिए पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, देखिए अब अच्छा पॉइंट नंबर तीसरे में हम आपको बताने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन निकालने का तो बहुत मेथड होता है, लेकिन सबसे पॉपुलर मेथड दो है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है WTV मेथड। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दोनों मेथड के बारे में पहले डिटेल में बताते हैं, समझिएगा, मेथड तो डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत है बच्चों, बट दो जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसके बारे में जिक्र हम लोग करते हैं, दो जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसका नाम क्या है, एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉलेज में अगर आपका हुआ होगा तो आप सुने होंगे, कॉलेज में पढ़ा हुआ है रिटेन डाउन, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, स्कूल देखिए आपने एच ही फील किए होंगे कि स्कूल वाज बेटर देन कॉलेज, क्योंकि आप देखिए होंगे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, एकदम पढ़ाई नहीं होता है, और जो होता भी तो आप पढ़ने नहीं मांगते हो, पढ़ने मांगते भी तो समझ नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ कारण ऐसा है जो आपको मजबूरी होती है, बेड़ियों में आप बन जाते हो और फिर आपको फिर तो जाता है, लेकिन स्कूल लाइफ में कम से कम कुछ तो पढ़ाई आप करते थे,
स्कूल लाइफ में क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तो बहुत सारे जैसे पांच टीचर स्कूल में, तीन चार टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, एक दो टीचर पांचों के लिए तो बराबर नहीं, तीन दो टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे, होमवर्क का प्रेशर रहता था, याद करने का चाप रहता था, यहाँ तो लग रहा ओपन लाइफ है, ओपन लाइफ मतलब जा रहे आ रहे जा रहे और आ रहे, क्यों जा रहे किस लिए जा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भी अगर मान ली कोई बच्चा बॉयज है तो बॉयज स्कूल कॉलेज में, कोई बच्चा गर्ल्स है तो गर्ल्स कॉलेज में, तो फिर सब जीवन में आपको एक्साइटमेंट भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। देखिए स्ट्रीट लाइफ मेथड का दूसरा नाम, इसका तीन नाम है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रीट लाइफ मेथड का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका और एक नाम है दर्शन, इसका और एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड दर्शन ना। अच्छा रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड आपका दूसरा नाम है, इसका भी तीन नाम है, रिटर्न बोला हम तुमसे पीछे तो रहेंगे नहीं, रिसिंग बैलेंस मेथड, ये भी बेटा तीन नाम रह जाइए समझे ना, और एक तो उसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा सुनिएगा प्लीज, अब एग्जाम में कौन सा मेथड से देगा, दोनों में से कोई भी मेथड दे कैन गिव यू इन द एग्जाम, लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड दिया था ज्यादा इनको याद आ रहा है समझे ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटेन ऑन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नेवर बी कंफ्यूज, ये देखो तीन में से कोई भी नाम क्वेश्चन में दे आप कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। बहुत बार बच्चा बोलता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड बोल बोल के हम लोग क्लास में सब्स किए थे, एग्जाम में देते ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बच्चा लोग आगे पूछता है बोले भाई आप तो नहीं पढ़ाए, बोले क्या नहीं पढ़ाए, बोले आप तो पढ़ाए थे स्ट्रेट लाइन, एग्जाम में दिया ओरिजिनल कॉस्ट, बाबू तीनों एक ही चीज है, तीनों कौन सा चीज है, एक ही चीज है, ये सब छोटे छोटे गलती मत करके आइएगा बाबा, ये तीनों कौन सा चीज है बताइए, एक ही चीज है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और क्या बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यस और नो क्लियर है। अच्छा अब सवाल है कि जब सम्स बनाएंगे तो कोई सम्स में मान लीजिए ये नाम रहा, कोई सम्स में ये नाम रहा, कोई सम्स में ये नाम रहा, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए जैसे किसी का नाम है तीन दो नाम है, राजू बबलू और चिंटू, उसको हमें क्या लेंगे राजू बबलू चिंटू इधर आओ, या तो राजू बोलेंगे या तो बबलू बोलेंगे या तो चिंटू बोलेंगे, तीनों नाम से तो नहीं बुलाएंगे कि राजू बबलू चिंटू इधर आइए, एक ही नाम से ना बुलाएंगे, आप लोगों में भी बहुत जगह तीन तीनों नाम होगा, दो दो नाम होगा, है ना किसी का नाम, किसी का चार पांच तो नाम है बाबू, आप लोग मिसाल बताइए प्लीज, समझे तो होगा भी, तो आप यहाँ पे क्यों उठाइएगा समाज में, समझे ना, बी स्मार्ट, कभी कभी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, भावनाओं में कितना मिला दिए, तो जो भी नाम हो आपका आपको एक ही नाम से लोग बुलाते हैं, नाम से आदमी बुलाता है उसको एक ही नाम से, तो आप तीनों में नाम याद रखिएगा। सो प्लीज टेल मी डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड कितना है, बहुत सारा मेथड है, सम ऑफ डिजिट, जीरो डिजिट मेथड होता है, एनुटी मेथड होता है, बहुत सारा मेथड है, आपके सिलेबस में क्या मेथड है, दो, कितना बोलिए, बोलिए नाम, दो, एक का नाम स्ट्रेट लाइन, दूसरा का नाम डेप्रिसिएशन, यही दो मेथड से आपको परचेज सेल प्रॉफिट लॉस ये सब निकालने के लिए एग्जाम में देगा और हम लोग करेंगे। बच्चों सवाल ये कि दोनों मेथड का अंतर क्या है, डेफिनेटली आपको अंतर बताएंगे अभी दो मिनट बाद, पहले आप हमको ना पहले आप लिखिए पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, मोस्ट पॉपुलरली देयर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे हम लिखे वैसे लिख लीजिए एरो बनाकर,
हो जाए तो बता देना बाबू, हो गया ना। चलिए अब अगर आपका हो गया है, हो गया ना सबका बाबू, तो हो गया तो अब आप देखो, अब आपको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बताते हैं क्या होता है ये मेथड। देखिए पहले बता देंगे फिर उसके बारे में लिखवाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो देखिए मेथड क्या, क्योंकि सवाल में ना कुछ है नहीं, सवाल में खाली आपको कैलकुलेशन का तरीका पता रहना चाहिए बस, उसका सम्स बहुत इजी हो जाता है, खाली जो लॉजिक होगा उसको अप्लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड हम बोल के नाम लिख रहे, प्लीज ध्यान देना बाबू। मान लीजिए हम एक तो मशीन खरीदे 1,00,000 रुपया में, मान लीजिए हम एक तो मशीन खरीदे कितना तारीख में बाबू, 1,00,000 रुपया में, 1/1/2015 में खरीदे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ध्यान से सुनिएगा, समझ गए मतलब समझ गए, 1,00,000। तो क्वेश्चन में बोला है कि डेप्रिसिएशन 10% होता है, मतलब हर साल 10% उसका वैल्यू घट जाता है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 1,00,000 का 10% कितना होगा बोलिए, 10,000, तो बैलेंस कितना आएगा बोलिए, 90,000। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला साल में जाएंगे 10% निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला मान लीजिए 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालिए, क्वेश्चन बोला 5 साल का डिप्रिसिएशन निकालिए। इधर देखिए 1,00,000 का 10% कितना हुआ, 10,000 फर्स्ट ईयर में। आज सेकेंड ईयर में जो 10% निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, ये एक तो चैलेंजिंग टास्क है, यही तो समझाना कि 10% किसका, 10% 90,000 का या 1,00,000 का। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन आप जब भी निकालोगे वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकालोगे, किस पे निकालोगे, इसीलिए इसका नाम है ना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट। इसका नाम से पर्दा उठाएंगे, इसका नाम का जो रहस्य है, तीनों नाम का रहस्य से आपको हम पर्दा उठाकर दिखाएंगे कि क्यों इसका तीन तो नाम दिया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला गया, ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोला गया। पहला लॉजिक समझे, डेप्रिसिएशन जब भी आप इस मेथड से निकालिएगा हर साल में किस पे निकालिएगा, 1,00,000 पे, किस पे, तो बताइए सेकेंड ईयर में 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000, कोई दिक्कत, फिर 80,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर में चले गए, थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम पूछ रहे बताना 80 पे 90 पे या 1,00,000 पे, 1,00,000 पे, फिर 10,000 आ गया। थर्ड ईयर पार, फोर्थ ईयर में चले गए, फोर्थ ईयर में जब डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे 70 पे 80 पे 90 पे या 1,00,000 पे, फिर 10% निकाल दिए कितना बाबू, 6,500। फिर पांचवा साल में जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो किस पे बताइए, 1,00,000 पे, कितना बाबू, 10,000, कितना बाबू, 50,000। मतलब जो मशीन का दाम आज 1,00,000 है, 5 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा बताइए, 5 साल बाद उस मशीन का WDV मतलब होता है रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब उसका 5 साल बाद उसका वैल्यू अकाउंट्स के बुक्स में कितना रुपया होगा, वो 50,000। आज अगर एक मशीन का दाम 1,00,000 है और 10% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसका वैल्यू 5 साल बाद कितना होगा बताइए, 50,000। कितना होगा बोलिए, ठीक है बाबू, कितना होगा बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए ना। यहां से क्या सीखने को मिला, सीख नंबर वन, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा बाबू, से इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा एक्स वाई ओ, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है, हर नाम से पर्दा उठा रहे, देखिए लॉजिक तो बता रहे। इसका नाम फिक्स हिस्टोरिकल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम क्यों है बोली तो, ओरिजिनल वैल्यू पे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 1,00,000, समझो आप क्या बोले। और इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों है बोली तो, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, सेम। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ में बनाएंगे इसका डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत। दूसरा तीसरा लॉजिक, तीसरा नाम है इसका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, क्यों, हर साल देखिए डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या है, फिक्स है ना जी, यस और नो, यस और नो, ये इसका तीन, आपसे एग्जाम में तीनों नाम का रहस्य नहीं पूछेगा, हमको समझने के लिए बता दिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लगे हाँ ये चीज समझ सीखे, नया चीज पता सीखे। तो बताइए यहाँ इस मेथड से क्या क्या शिक्षा मिला, शिक्षा नंबर वन, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन विच वैल्यू, ऑरिजिनल कॉस्ट, अभी बोल रहा हूँ। शिक्षा नंबर टू, एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट, सेम। शिक्षा नंबर थ्री, शिक्षा नंबर थ्री, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर इसी को 10 साल निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू मतलब एसेट का वैल्यू एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। कहे 10,000 करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अबू जीरो। यस और नो, यस और नो, यस और नो, समझे कि नहीं समझे बोली, समझे। तो पूरा कहानी यहाँ पे ये सब बात को लिखेगा, अगर हम पहले ये सब इंग्लिश में लिखवा देते ना तो आपको मन में डाउट रह जाता, सिर्फ पहले आपको डेमो दे दिए फिर लिखवाएंगे, पहले आप हमको बताइए, अब भूल जाइए इसको, बताइए स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कौन सा वैल्यू पे निकलता है, ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी क्या, सेम। और पॉइंट नंबर थ्री बताइए, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन का वैल्यू, एसेट का वैल्यू जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यस और नो, लिखिए पॉइंट नंबर फोर, लिखिए
पॉइंट नंबर लिखिए, बोले बाबू हेडिंग दे दीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड, हेडिंग दे दीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ही तो नाम लिखना है स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब लिखिए इसके बारे में स्ट्रेट लाइन मेथड, अब लिखिए पॉइंट नंबर ए, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में लिखिए पॉइंट नंबर ए, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पॉइजनल कॉस्ट, पॉइंट नंबर टू, हियर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, here the amount of depreciation remains the same every year ho gaya point number 3 likhiye after completion of useful life the value of asset may be reduced to zero. Okay, अब देखो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो समझ रहे एकदम क्लियरली है। अगर मान लीजिए रेट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया तो एक झमेला है कि अगर मान लीजिए रेट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट अप्लाई कर देंगे, बट इफ रेट इज नॉट गिवन तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो अगर याद रखिएगा, अगर रेट नहीं देगा, रेट दे देगा तो रेट से निकाल लीजिएगा सम्स, अगर रेट नहीं देगा, इफ रेट इज नॉट गिवन समझिएगा, हम अभी लिखवाएंगे आपको अपने हिसाब से, रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा। बाबू डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा जी? डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा रेट नहीं दिया हुआ है तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या? एस्टिमेटेड लाइफ या फिर यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो दिक्कत है। रेट नहीं दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा? ई फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, या फिर यूजफुल लाइफ बोलिए या लाइफ ऑफ द एसेट बोलिए, अलग अलग बुक में अलग अलग भाषा है, मीनिंग वही है। थोड़ा इसका मीनिंग बता दीजिए सर, जैसे एग्जाम्पल दे रही, देखिए उतारिए मत प्लीज, हम अपना हिसाब से नोट्स आपको लिखाएंगे और बहुत अच्छा से लिखवाएंगे, आप खाली सुनिए से। तो देखिए मान लीजिए अभी तो कार खरीदे, कार का दाम कितना बाबू? 5 लाख। कितना दाम बाबू? 5 लाख की, ये 5 लाख को क्या बोलेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। इतने ध्यान से सुनिए सर, क्या बोलेंगे भाई? ओरिजिनल कॉस्ट। अभी क्या हुआ, इस कार में हमको 1 लाख रुपया, मान लीजिए 1 लाख रुपया उसको इंस्टॉल करने, मतलब उसमें कार के अंदर हमने म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाया, ऐसा म्यूजिक सिस्टम कैमरा इंस्टॉल करा कि आगे पीछे सब दिखता है ना, अभी नया गाड़ी निकला है उसमें आपका पीछे में कौन गाड़ी चला रहा है ना सब दिखता है। अभी जो नया कार निकला है ना, कभी कभी देखोगे रास्ता में, देखते हैं रास्ता में, देखते ही है तो नहीं अपना पास, तो रास्ता में देखते हैं तो आदमी लोग देखते हैं, कार में दिखते रहता, आगे पीछे सब दिखते रहता कि कौन आदमी बाइक चला रहा है कौन आदमी नहीं। अगर मान लीजिए हम धक्का मार देंगे बाइक में, मतलब उसके गाड़ी में, तो मेरा फोटो रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें, ऐसा ऐसा स्कीम आ गया। तो मान लीजिए वैसा कुछ इंस्टॉल कराने मांग रहे हो आप, तो आप भी अपना गाड़ी में इंस्टॉल करा लिया, ऑनलाइन एग्जाम दिया आप लोग, अच्छा मार्क्स आया तो आप लोग कलकत्ता में खुश हो गए, ऐसा कार दिया। तो ये हो गया इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कौन सा समझने के लिए। उसके लिए स्क्रैप वैल्यू क्या होता है बाबू? स्क्रैप वैल्यू होता है कि जब उसका लाइफ खत्म हो जाता है, लाइफ जैसे एसेट का लाइफ है 5 साल, हर एसेट का ना अपना एक टू लाइफ होता है, 5 साल, जब तक है जान, ये ऐसी जिंदगी भर चलेगा क्या? ये तो ऐसी खरीद के लाए जिंदगी भर चलेगा,
जब तक है जान जब तक है सांसें तब तक चलेंगे, ऐसे ऐसा कुछ है क्या? ये सब बात ये जब तक है जान जब तक है सांस वाला बात हम लोग आप लोग कर सकते हैं, ये निबा निपीज लोग करते हैं, ये लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। बस मेरे ना ये सब दस दिन आदमी बोलता ना कभी कभी, जैसे किसी को बोलते हैं हम लोग कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बोलते ना मैसेज में, सब फेक पंक बात है। क्यों? जैसे वो आदमी जाएगा खूब खा रहे, खूब अंगूर खा रहे, सेब खा रहे, बेटा बहुत मोटा हो गया, और बेटा मोटा हो गया, तो ऐसी सब बोलने का बात है, सब फिल्मी लाइन है, सब लाइन मत चिपकाएगा नहीं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मेच्योर लोग होते हैं समझ आते हैं कि मजाक कर रहा, क्या कर रहा, मजाक कर रहा। बस लोगों को बोलता है कि कोई अगर आप लोगों को बोले कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, आपको हंसी लग जाना चाहिए। मतलब कैसा हंसती है, हम ब्लॉक कर दे तो और अच्छा बात है, ब्लॉक कर दिए तो और अच्छा, लेकिन होगा नहीं आपसे ब्लॉक। सब देखिए क्या है, थियोरेटिकली आप कुछ भी बोल दोगे, प्रैक्टिकली मार मैसेज पे मैसेज कर देते दूर, भैया सिखाए तो सिखाए, हटाइए सब, कोई ज्ञान ज्ञान नहीं। तो जब आप फील्ड में जाते हो ना, फील्ड में, तब एक्चुअली पता चलता है कि आप कितना अच्छा प्ले कर सकते हो। ऐसे बोलना सिखाना सीखना बहुत आसान होता है दोस्तों। 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट था, 1 लाख रुपया उसका स्टॉल करने का खर्चा, 5 साल का लाइफ था उसका, हर एसेट का ना एक तो लाइफ एस्टिमेट किया जाता है कि 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। जैसे जो बाइक ही हम लोग खरीदते हैं तो बाइक तो जिंदगी बनी चलेगा, आज से 3 साल पहले जब हम बाइक लेंगे उसमें एक अलग चमक हो, और आज 3 साल बाद जब वो बाइक को देखते हैं तो एक अलग चमक लगता है, और आज से 5 साल बाद देखे टूटा हुआ है, जैसे लाइट टूटा हुआ है, हैंडल पैंडल सब ढीला हो गया है, तो ये होता है। बस कोई भी सामान जब नया होता है, जैसे कोई बिल्डिंग ही बनता है, कोई बिल्डिंग नया बनता है तो देखते ना, जैसे आप लोग खुद देखना, आप लोग सपोज आपका कभी गृह प्रवेश होगा या आप लोग का नया घर बनता है, या हमारे घर में ही रंग वंग पिताजी करवाए, जब रंग वो कराते कितना चल रहा है, रोज जाते लोग वाओ मेरा घर कितना सुंदर। देखिए घर छोटा बड़ा नहीं होता, घर खूबसूरत होता है, कितना आप साफ सुथरा घर को रखते हो वो मैटर करता है, किसी का घर छोटा है किसी का घर बड़ा है, लेकिन कितना साफ सुथरा पवित्र से आप रखे तो वही घर को रंग करवाए तो कितना अच्छा लगता है। भाई 2-3-4 दिन बाद दिखा दिया अपना हरकत, दीवार में पेंटिंग करने लग जाए, वॉल पेंटिंग शुरू हो जाता है। बस वही रहता हम लोग जब नया घर दिए थे ना, तो मतलब हम लोग मम्मी को बोले मम्मी देखिए हम लोग तो बिहारी है, बिहारी वर्जन है, बस वही रहता हम लोग मम्मी बोले मम्मी देखिए कपड़ा पपड़ा मत टांगिए मेरे घर में, बता दे हम लोग भारत बिहार में क्या होता है, कपड़ा घर में तागा टांग देते लो बेटा कपड़ा टांगने के लिए। 1-2 दिन बोले मम्मी भी बोले ठीक है नहीं लगाएंगे, बोले फोटो खींचने में दिक्कत हो जाता है घर में, तो ऐसा मत करेगा प्लीज, मम्मी बोले ठीक है नहीं करेंगे तुम्हारा रूम में नहीं करेंगे। उसके करते करते घर में देख रहे अभी पेंटिंग प्रिंटिंग किया हुआ है, बच्चे लोग रहने से तो दीवार में लिखने लगता है, दीवार को रगड़ दिया एकदम बेटा, पूरा एकदम मतलब क्या बताया आपको, सब रूपये नहीं करते, चारों तरफ कपड़ा टांगा हुआ है, जहां पड़ ली में यार बेटा कपड़ा यार पीछे से, तो इतना दर्दनाक कहानी कौन बताया बताइए। वही होता है हम लोग का घर घर का कहानी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एसेट है, तो एसेट जब नया होता है तो ही सुंदर लगता है, याद रखिएगा एसेट का भी खराबी है। कोई आदमी का गाड़ी जब नया नया, कोई आदमी बाइक खरीदता है देखिए खुद सजा रखेगा, अगर उसके बाइक पर कोई टच भी करेगा कपड़ा लेके ऐसे पूछने लगता है, 2-3-4 दिन बाद बाइक अपना पड़ा हुआ है साइड में कोना में कोई गिरा भी देता है, रहने तो बाद में उठाएंगे। That's the value. और देखो वक्त के साथ चीजों का वैल्यू आपके लिए कम होने लगता है, और यहाँ पर और इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया 1 लाख, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 6 लाख। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या बोले तो जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो कैसे बिकेगा, जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो रद्दी का भाव में बिकेगा, वो कचरा का भाव में बिकेगा, वो बोगस सामान है फालतू बिकेगा फालतू। जब 4 साल बाद जाएंगे बाबू 5 साल बाद जाएंगे तो कचरा का दाम में बिकेगा वो एसेट, वैसे कचरा का दाम में बिकेगा। अगर ये एसी आज 50,000 का है तो 4 साल बाद जब इसको बेचने जाएंगे 5 साल बाद जब इसको बेचने जाएंगे 500 रुपया 1,000 रुपया के लोहा का दाम में भी बिकेगा। इसको बोलते हैं स्क्रैप, क्या होता है स्क्रैप बोलते हैं ना, तो कोई दोस्त अगर आपका कचरा है तो उसको बोले तुम स्क्रैप हो, क्या हो स्क्रैप, स्क्रैप मतलब कचरा, बोले थैंक यू भैया समझेगा नहीं, स्क्रैप मतलब होता है कचरा रद्दी फालतू घटिया, बोलते स्क्रैप, क्या होता है स्क्रैप, बस नहीं स्क्रैप, तो स्क्रैप मतलब 5 साल बाद। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको और एस्टिमेटेड लाइफ, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मान लीजिए उसका स्क्रैप वैल्यू है 50,000 रुपया और एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, और इसको अगर फॉर्मूला में फिट करेंगे तो कैसे करेंगे, हो गया शुरू हो गया स्क्रैप वाला हरकत कर रहे हैं। तो पॉइजन कॉस्ट कितना 5 लाख, इंस्टॉलेशन कितना 1 लाख, माइनस स्क्रैप कितना 50, अगर फॉर्मूला में इसको बनाते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना 5 लाख, इंस्टॉलेशन कितना बोलिए ना, स्क्रैप एस्टिमेटेड लाइफ का जहाँ पे 5 साल देंगे, 5 साल उसका लाइफ है। समझे जैसे मैं आपसे पूछता बताइए, एक एसेट खरीदे उसका दाम है 40,000, मेरे को इंस्टॉलमेंट देना नहीं पड़ा, नहीं लिखेंगे इंस्टॉलेशन जो है नहीं देना पड़ा, स्क्रैप वैल्यू है 5,000 और लाइफ उसका 10 साल, कैसे लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जगह पे 40 और इंस्टॉलेशन जगह पे 0, कुछ नहीं लिखेंगे, स्क्रैप पे जगह कितना बोलिए 5,000 और लाइफ कितना बाबू 10, कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, समझे ना, प्रोजेक्ट चो तो लिखिए, लिखिए हमने कहा पॉइंट नंबर डी लिखिएगा, डी उसी के अंदर पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी लिखिए आप, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन देन
the rate of depreciation is not given, then the following formula should be applied. Formula क्या है? ये वाला लिख दीजिए, ओरिजिनल पे लिख जो लिखे हैं जी, डेप्रिसिएशन इक्वल टू देखिए तो आगे बढ़े, देख लियो फॉर्मूला, ये था स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए, जब भी निकालेंगे या तो रेट अप्लाई करेंगे या तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेट अप्लाई करेंगे तो हमेशा किस पे निकालेंगे बोलिए, ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे बाबू? कोई दिक्कत? चलिए अब पॉइंट नंबर कितना हो गया बाबू? चार है जी, ये खत्म हो गया। इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो, कॉन्सेप्ट इसका खत्म हो गया। पॉइंट नंबर पांच लिखिए, ये कॉन्सेप्ट लिख रहे जो सम्स में काम आएगा। पॉइंट नंबर पांच लिखिए, नहीं इसका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर पांच मतलब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका दी मिसिंग बैलेंस मेथड। इसके बारे में समझाएंगे आपको पहले, दी मिसिंग बैलेंस मेथड। दोनों में फर्क देखिए क्या है, दी मिसिंग बैलेंस मेथड। चलो तैयार हो ना आप लोग, देखिए अच्छा दिख रहा है ना बोर्ड, दी मिसिंग बैलेंस मेथड। देखिए अच्छा यहां पे पहले डेमो दे देते हैं। मान लीजिए हम 1,00,000 का मशीन खरीदे, सेम केस, अब क्वेश्चन में दिया हुआ रेट 10%, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 5 साल का, इधर देखिए 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000। पहला साल खत्म कितना हो गया, 90,000। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जब सेकेंड ईयर में निकालेंगे ना बाबू, तो 1,00,000 पे नहीं निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, 90,000। समझे हम क्या बोले, सेकेंड ईयर में जब निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, 1,00,000 पे भी 90,000। तो 90,000 का 10% कितना होगा, 9,000, 81,000 हुआ। फिर थर्ड ईयर में जब निकालेंगे तो 81 पे निकालेंगे, 90 पे निकालेंगे या 1,00,000 पे निकालेंगे, 81 पे 8,100, तो कितना हो गया, 72,900, राइट। फिर अगर 10% निकालेंगे फोर्थ ईयर में तो किस पे निकालेंगे, 72,900 पे, 81,000 पे या 90,000 पे, 7,290, राइट। कितना आएगा वो माइनस करके बताइए, कितना, 65,610। और लास्ट ईयर में जब निकालेंगे 10% तो किस पे निकालेंगे बताइए, 65,000 पे, 6,561 ना, यही आएगा। तो देखिए, तो देखिए ध्यान से सुनिए, अब यहां पर क्या फर्क हुआ, फर्क देखिए क्या है, यहां उसमें जो भी साल में डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप हमेशा 1,00,000 पे निकालेंगे, और इसमें माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना था, 1,00,000, डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, बचा कितना, 90। तो ये जो बचता है ना इसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू। सेकेंड ईयर में किस पे निकाले, 90,000 पे। थर्ड ईयर में किस पे निकाले, 81,000 पे। फोर्थ ईयर में किस पे निकाले, 72,000 पे। और फिफ्थ ईयर में 65,610। तो बताइए स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड में फर्क क्या है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन WDV वैल्यू। WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर, ये है बाबू। दूसरा पॉइंट, इसका डेप्रिसिएशन देखिए हर साल घट रहा, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, देख रहे ना, इसीलिए इसका नाम है डिमिसिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिसिंग मतलब घटना, रिड्यूसिंग मतलब घटना। देखिए हर साल 9, 8, 7, 6 और आगे करेगा और कम होगा, और आगे करेगा और कम होगा, लॉजिक समझे। और इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा, इस मेथड से जब कैलकुलेशन करेगा वैल्यू कभी जीरो नहीं, कभी नहीं आएगा।
दो रुपया आएगा, तीन रुपया आएगा, पांच रुपया आएगा, एक रुपया आएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं आएगा सर। इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या क्या शिक्षा मिला, शिक्षा नंबर वन, इस पर डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे या रिटेन ऑन वैल्यू पे? रिटेन ऑन वैल्यू मतलब क्या होगी, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है। तो देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, समझिए ना प्लीज। फर्स्ट ईयर का रिटेन ऑन वैल्यू कितना है, नब्बे। सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ का, पैसा डेस, ये हो गया रिटेन ऑन वैल्यू। तो इसका डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकालेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू। क्लियर है बाबू? और बताइए इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। और इसका वैल्यू कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। देखिए पॉइंट नंबर ए लिखिए, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटेन डाउन वैल्यू। Depreciation is calculated on written down value. हो गया पॉइंट नंबर टू लिखिए, द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन keeps on reducing every year. Depreciation का value हर साल क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। पढ़ाई लिखिए, देखिए द बैलेंस ऑफ एसेट under this method cannot be reduced to zero. हो गया आपको, क्लियर है? ये था हम लोग का डिमिसिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड का कैलकुलेशन मेथड सिखा दिया आपको, कैलकुलेशन कैसे होगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर सब कुछ बेसिक जनरल एंट्री मारने आपको एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन जनरल एंट्री के बिना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो कुछ बेसिक जनरल एंट्री है जो आपको पता रहना चाहिए, उसके डायरेक्ट हम लोग अगले दिन से सम्स बना पाएंगे। मेथड पता चल गया, जनरल एंट्री पता चल गया, डायरेक्ट अकाउंट खोलेंगे, सम्स बनाना शुरू। तो यहां पर जब आप जनरल एंट्री मारोगे तो जनरल एंट्री देख लीजिए क्या क्या है। अगला टॉपिक हम आपको लिखाने जा रहे हैं बेसिक जनरल एंट्री। तो बेसिक जनरल एंट्रीज क्या क्या है भैया, एसेट देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का प्रोसेस समझिए। सबसे पहले क्या होगा, एसेट खरीदेंगे ना, तो फॉर बाइंग द एसेट, अगर एसेट खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा। तो जब एसेट खरीदेंगे तो जनरल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, अगर एसेट खरीदेंगे तो। यस और नो सर? मान लीजिए मशीन खरीदे, एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए कार खरीदे, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रोसेस को समझ लेना, पहला क्लास पूरा इंपॉर्टेंट, पहला क्लास समझ गया, दूसरा क्लास आराम से सम्स बनाना आकर के आपको, तो ज्यादा लॉजिक उसमें नहीं। उसके बाद क्या होगा, साल खत्म होगा, और जैसे साल खत्म होगा एट द ईयर एंड, ईयर के एंड में लास्ट डेट में आपको निकालना पड़ता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का जनरल एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री होता है बच्चों डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, एसेट्स, नहीं बोलेगा ना, एसेट्स अकाउंट। क्लियर? ये दोनों सवाल में रहना ही, एसेट खरीदे एसेट टू कैश, डिप्रिसिएशन हुआ डिप्रिसिएशन टू एसेट। कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट को बेच दिए, क्या बाबू बेच दिए,
अगर एसेट को बेचेंगे फॉर सेलिंग, अगर एसेट को बेच रहे हैं, बेचने का एंट्री क्या होगा? इसका उल्टा, खरीदने का उल्टा कर दिया, बेचने का एंट्री हो जाएगा। एंट्री क्या होगा देखिए, कैश अथवा बैंक, दोनों मत लिख देना एग्जाम में, कैश अथवा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, कोई दिक्कत? जब बेचेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगा, लॉस होगा तो क्या एंट्री होगा? देखिए, जब एसेट को बेचते हो आप, तो अगर आप एसेट को बेच रहे हो, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? प्रॉफिट। तो देखिए, जैसा आपको एग्जांपल दे, मान लीजिए 10,000 का एसेट था और हम बेच दिए उसको 12,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया बताइए? 2,000 प्रॉफिट का क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है बाबू? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाने से जब आप एसेट का एंट्री कर रहे हो, तो देखिए एसेट था कितना का बताइए, 10, तो मिला कितना, 12, प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट हो जाने से क्या करिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट मतलब जो भी एसेट है, एसेट लिखते रहे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ फॉर प्रॉफिट, लॉस होगा तो उसका उल्टा, प्रॉफिट होगा तो ये जनरल एंट्री होगा, लॉस होने से क्या होगा, फॉर लॉस, इसका उल्टा कर दीजिए, लॉस उल्टा एंट्री क्या होगा बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी एसेट है उसका नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना एंट्री आपको सम्स में काम आएगा, बड़ा सम्स में। हम पूछ ले बताइए, एसेट खरीदने का एंट्री, एसेट टू कैश, अच्छा डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट बेचेंगे तो उल्टा, एसेट बेचेंगे तो उल्टा, कैश टू एसेट, उसके बाद प्रॉफिट होगा तो एसेट टू पी एल, लॉस का एंट्री इसका उल्टा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, डायरेक्ट सम्स बनाएंगे अगले दिन। थोड़ा स्विच ऑफ कर दीजिए कैमरा के थोड़ा।